ये है हमारी देश की मिट्टी और इस देश की मिट्टी को चीरते हुए फसल उगाता हुआ जापनीज टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर कुबोटा। आज हम खड़े हैं कुबोटा के 5501 जो 55 HP का ट्रैक्टर है, बैलेंसिंग शाफ्ट बहुत से ऐसे फीचर के साथ, ये 4 वॉल्व के साथ आता है, रिवर्स PTO, डुअल क्लच जैसे तमाम फीचर्स के साथ ये ट्रैक्टर अवेलेबल होता है। और इसे यूज़ कर रहे हैं राकेश भाई जो एक किसान है, और ये ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए इनका अनुभव आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रैक्टर के साथ इनका अनुभव कैसा रहा है। राकेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप किस जिले से हैं, कहाँ से आप रहते हैं वो आप बताएंगे। जी, मेरा नाम राकेश साहु है, मैं कुरुद गांव का हूँ जी। हमारा सेंटर आता है गरियाबंद जिला में जी। हाँ, और अभी फिलहाल इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं, बहुत अच्छा है इसका परफॉर्मेंस। आप कितने समय से इस ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं? अभी अपना हो गया है 1.5 साल के आसपास। 1.5 साल से इस ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं। और कुबोटा का ही ट्रैक्टर आपने क्यों सेलेक्ट किया, और इससे पहले आप कौन सा ट्रैक्टर यूज़ कर रहे थे? इससे पहले हम चला रहे थे महिंद्रा का जी। हाँ, और इसमें क्या है, माइलेज का थोड़ा अच्छा है फीचर उसमें। और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको अच्छी लगी बाकी अन्य ट्रैक्टरों से? अन्य ट्रैक्टर से इसका स्टेयरिंग बहुत अच्छा है जी। हाँ, एकदम स्मूथ स्टेयरिंग है, और क्लच भी एकदम सॉफ्ट है, डुअल क्लच में भी आता है, PTO का स्पीड भी डुअल है। ठीक है जी। राकेश भाई जो है इससे पहले महिंद्रा का ट्रैक्टर यूज़ कर रहे थे, और अभी जो है ये राकेश भाई आपको देख रहे होंगे 4-व्हील ड्राइव पे ट्रैक्टर में गए हैं। 4-व्हील का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होने भी वाला है, अगर आप मताई में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अलग अलग इम्प्लीमेंट में यूज़ कर रहे हैं। आज का जैसा मौसम हो गया राकेश भाई, उस हिसाब से 4-व्हील ड्राइव बहुत ही बेहतर विकल्प बनते जा रहा है, और आपका डिसीजन भी देख के मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपने 4-व्हील लिया। इसका अभी तक आपने इसमें कोई सर्विसिंग करवाई है, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी निकल के आ रही है? नहीं, सर्विसिंग का उतना खर्चा नहीं है। सर्विसिंग कैसे करवाते हैं आप? सर्विसिंग वो कंपनी वाले आते हैं, उसमें अपना आ जाता है 2500-3000 के आसपास का अपना सर्विसिंग खर्चा। घर आके देते हैं सर्विस? घर आके सर्विस देते हैं। 2500-3000 का कॉस्टिंग जो रहता है ऑयल फिल्टर? टोटल सब्जेक्ट, टोटल बिल्कुल। और इसके अलावा अभी तक इसमें कोई खराबी लगी हुई या कुछ समस्या आपको देखना फेस करना पड़ा हो? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। और इसमें आप कौन कौन सी इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं? अभी फिलहाल रोटावेटर ही है। अभी रोटावेटर है बस। आगे क्या प्लान कर रहे हैं इसके? आगे साथ? का देखते हैं, आगे जो बन जाए। इसका साउंड भी मैं सुनाऊं दोस्तों, कंपनी दावा करती है कि ये बैलेंसर शाफ्ट के साथ आता है, काफ़ी साइलेंट साउंड है, और अगर इसका RPM भी आप बढ़ाइए ये आप देख सकते हैं दोस्तों, रोटावेटर इसमें फिटेड है। ये कितने फीट का रोटावेटर आप यूज़ कर रहे हैं इसमें? 6.5 फीट का। 6.5 फीट का रोटावेटर के साथ ये परफॉर्मेंस के लिए कर रहा है। अभी ये खेत मताई के लिए तैयार हो चुका है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं पानी भरी हुई है। 4-व्हील ड्राइव ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बड़े इसमें टायर आपको मिल जाते हैं, 16x28 का रियर टायर मिल जाता है दोस्तों इसमें, और वो भी ऑयल इमर्सर ब्रेक जैसे फैसिलिटी, दमदार ब्रेक परफॉर्मेंस के साथ ये मिलता है। और इसकी आप पहले तो आप मताई का इसका परफॉर्मेंस देखिए कि ये कैसा मताई करता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो ट्रैक्टर है यहाँ पे अभी ये रोटावेटर में काम कर रहा है, और यहाँ की जो मिट्टी है ये पट्टी वाली मिट्टी है, मतलब पूरी हल्की, जो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर जिसमें फंसता है या धंसता है ये वैसा वाला खेत है, और उसमें इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 4-व्हील लगा दिया गया है। अभी ये जो ट्रैक्टर है बहुत ज़्यादा स्किड कर रहा था, बड़े टायर जो थे वो धंस चुके थे, 4-व्हील लगाने के बाद आप उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ट्रैक्टर है जापानी, दिल है हिंदुस्तानी की कॉन्सेप्ट के साथ कुबोटा ने भारत मार्केट में अपनी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है, और ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं ये 5501 55 HP की श्रेणी में गिना जाने वाला ट्रैक्टर है, और काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किसानों के भी पसंदीदा ट्रैक्टर बन चुकी है। और राकेश भैया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इस ट्रैक्टर के साथ अभी कोई भी बड़ी समस्या आई है या छोटी मोटी भी समस्या आपने कभी फेस किया 1.5 सालों में? नहीं 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 नहीं, कोई समस्या नहीं। आप जो यूज़ कर रहे हैं, कभी ट्रैक्टर फंस गया हो और उसमें आप 4-व्हील लगाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसा निकलता है? 4-व्हील में ही ज़्यादा अच्छा है जी। हाँ, और रही बात राकेश भैया इसकी डीजल खपत को लेकर, तो हाँ, वो कैसी निकल रही है? डीजल खपत आएगा अपना घंटे में 6 लीटर रोटावेटर के साथ। रोटावेटर के साथ। और इसमें अभी तक आपने और क्या इम्प्लीमेंट यूज़ किया है? अभी तो कुछ भी नहीं किया है, बस रोटावेटर चला रहे हैं लाइव। रोटावेटर में 6 लीटर पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं? रोड में अपना 4 का। इसका डीजल खपत से कैसे है? डीजल खपत ठीक है, बड़ा इंजन है तो उतना तो लगेगा ही लगेगा, ज़्यादा लगना चाहिए लेकिन कम लग रहा है। आप संतुष्ट हैं? हाँ। कि वीडियो के लिए आप संतुष्ट हैं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वीडियो के लिए भी ठीक है। आप रियल मायने में संतुष्ट हैं?
चाहे इस ट्रैक्टर का आप कलर भी देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसमें कलर भी यूज़ की गई है और ये ट्रैक्टर आप चलते हुए देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस रोटावेटर पे। कभी कुछ ऐसा घटना हुआ है कि ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा फंस गया हो? हाँ हाँ हुआ है, उस समय टायर पूरा डब चुका था जी हाँ, वो आगे वाला फिर भी अपना सिंगल इंजन से ही निकल गया बाहर। और जब ये लोड लेता है उस समय इसकी आरपीएम कैसा रहता है, टूट जाता है? आरपीएम नहीं, टूटता नहीं है, कम होता है लेकिन टूटता नहीं है, लोड बनाए रखता है। हाँ, लोड बनाए। काफ़ी बेहतर ये ट्रैक्टर ऑप्शन आपके लिए भी होने वाला है दोस्तों। अगर ये आप ट्रैक्टर देखना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो रायपुर में आप सनशाइन मोटर में संपर्क कर सकते हैं, राकेश भाई ने भी वहाँ से लिया। और रही बात राकेश भाई इसकी प्राइस को लेकर, तो आपने इसे कितने में लिया है? प्राइस है इसका, हमने लिया था 10.5 में। 10.5 में इसके साथ इंजन के साथ? और नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था। और कंप्लीट ऑन रोड प्राइस आप बता रहे हैं? हाँ, ऑन रोड प्राइस 10.5 लाख रुपए। हाँ, 10.5 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में ये ट्रैक्टर राकेश भाई ने लिया है और पूरी तरीके से इस ट्रैक्टर को लेने के बाद संतुष्ट है। तो राकेश भाई, इस ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस के बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाकी अन्य और जो किसान हैं जो ट्रैक्टर लेने के लिए इच्छुक हैं उनके आप क्या सलाह देना चाहते हैं? नहीं, हम तो उनको सलाह देना चाहेंगे कि भाई लेना है तो मस्त कुबोटा का फोर व्हील में ही ले, चाहे 45 का ले चाहे 55 का ले। जी हाँ, लेकिन फोर व्हील में ले, फोर व्हील का ही ले। हाँ दोस्तों, ये ट्रैक्टर रियल मायने में काफ़ी बेहतर है। जो भी किसान है आप संतुष्ट ही रहता है इसके ट्रैक्टर को लेने के बाद, किसी भी प्रकार की उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और ट्रैक्टर आपको ये भी पूछना चाहूँगा राकेश भाई, इस ट्रैक्टर के साथ बहुत से किसान भाई लोग का कॉन्सेप्ट रहता है कि ट्रैक्टर का पार्ट्स लेने मिलने में सर्विस अवेलेबल है उन लोग बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी नहीं मिल पाता, इसीलिए थोड़ा सा रहता है। लेकिन जो वो टाइम पीरियड बताते हैं उसमें अवेलेबल हाँ, हो जाता है? हाँ हाँ, हो जाता है, मिल ही जाता है। और क्या है, 5 साल का वारंटी तो ऐसी है। जी हाँ, 5 साल की वारंटी वाला ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बेहतर विकल्प आप लोगों के लिए भी होने वाला है। राकेश जी, आपका धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर पसंद की है। दोस्तों, ऐसी आपको वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हमेशा आपको ऐसी ट्रैक्टर की वीडियो मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं ऐसी रोचक और धमाकेदार ट्रैक्टर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।